प्रभात बच्चों, हम लोगों ने छोटी की मात्रा पढ़ी थी। आज हम लोग उनसे कुछ प्रश्न करेंगे, छोटी की मात्रा के कुछ अभ्यास प्रश्न को करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। इनके चित्र को पहचानना है और नाम लिखना है। जैसा कि पहला चित्र है चिड़िया का, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है चिड़िया। बच्चों, एक बात बता दूँ आप लोगों को कि ये जो चित्र है, इन सभी चित्रों के नाम में छोटी की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो देखिए, पहला था चिड़िया, दूसरा ये चित्र है गिलास का। तो देखिए, गिलास में ग के ऊपर भी छोटी की मात्रा लगा है। फिर ये है किताब, तो क के ऊपर छोटी की मात्रा है। ये है किसान, तो इसमें भी क के ऊपर छोटी की मात्रा है। तो इस तरह ये इस प्रश्न को हम लोगों ने इनके नाम लिखकर इनका पूरा किया। अभी ख ख में देखिए, कोष्ठक में से सही शब्द छाट कर स्थान भरो। ये जो कोष्ठक है, ब्रैकेट है, इनमें से सही शब्द को छाट कर यहाँ खाली स्थान में भरना है। तो देखिए, पहला रिमझिम रिमझिम डैश आई, तो इसमें मैंने यहाँ से लेके बारिश को भरा है। यहाँ होगा रिमझिम रिमझिम बारिश आई। किरण यह डैश मत गिरा, डलिया मत गिरा या मालिश, तो यहाँ से मैंने डलिया लिया है। किरण यह डलिया मत गिरा, डाकिया टिकट लगा, डैश डैश लाया। यहाँ से मैंने यहाँ पे लिखा है डलिया या लिफाफा, तो लिफाफा लाया। डाकिया टिकट लगा, लिफाफा लाया, यहाँ लिफाफा हो। अब हम लोग ग प्रश्न को करेंगे। ये प्रश्न है, छोटी की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाओ। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं मगर वो सही नहीं है। उनमें हम लोगों को छोटी की मात्रा लगाकर उस शब्द को सही करना है। तो देखिए, यहाँ मैंने त के ऊपर छोटी की मात्रा लगाकर ला, तिल, रा और वा। यहाँ पे भी मैंने वा के ऊपर छोटी की मात्रा लगाया है, रा, वा में छोटी की मात्रा, रवि। इस तरह मैंने यहाँ पे क में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा, व किताब। इसी तरह स के ऊपर मैंने छोटी की मात्रा लगाकर सितार बनाया इसे। फिर यहाँ च और ड़ा के ऊपर छोटी की मात्रा लगाकर चिड़िया बनाया। फिर ट और क में छोटी की मात्रा लगाकर टिकिया बनाया। फिर ब ग में छोटी की मात्रा लगाकर इसे बगिया बनाया। ड में छोटी की मात्रा, ब में छोटी की मात्रा, या में आ की मात्रा, इसे मैंने सही किया, डिबिया बनाया छोटी की मात्रा लगाकर। अब देखिए, ये है, इसे भी हम प में छोटी की मात्रा, क नाम में छोटी की मात्रा, क, ये हो जाएगा पिकनिक, इसे भी मैंने सही कर दिया। अब देखिए, घ में चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। यहाँ वाक्य लिखा है और बीच में यहाँ पे चित्र बनाया है और यहाँ पे खाली स्थान दिया है। तो यहाँ पे लिखा है जैसा कि चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे सविता यह चित्र का यहाँ पे नाम लिख देना है, गिलास, गिलास उठाकर ला। दूसरा है रवि, डलिया उठाकर, ये है क्या, ये है चित्र बगिया का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बगिया। तो यहाँ इससे हम पढ़ेंगे वाक्य को, रवि डलिया उठाकर बगिया चल। अब है सचिन यह, ये चीज का चित्र है, किताब का। यहाँ हम लोग लिखेंगे किताब, किताब उठाकर ला, सचिन यह किताब उठाकर ला। इस तरह मैंने इस प्रश्न को भी कर लिया है। बच्चों, इस प्रश्न को आप लोग भी इसी तरह बनाइए।
अपने किताब में।